अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजल व करम से मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, हिफाजत से रखे, और अपने अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे। आमीन सुम्मा आमीन। मैं आज बना रही हूँ छोले की चाट। तो देखिए मैंने क्या क्या लिया है। चने लिए हैं, इमली का पल्प है, मीठी चटनी और पुदीने की चटनी और बूंदी, सेव है, और ये आलू की भुजिया कहलाती है, मतलब आलू के चिप्स हैं बारीक वाले बहुत, इसलिए मैंने आलू बॉयल नहीं किए। और प्याज, हरी मिर्च है, दही है और पापड़ी है, और मैंने दही बड़े का मसाला और चाट मसाला। अब मैं शुरू करती हूँ बनाना, आप देखिए कि किस तरह बना रही हूँ। यहाँ आकर बनाओ, नहीं बनाना। चले मैं सबसे पहले इसमें दही ऐड करूंगी। प्याज और हरी मिर्च ऐड करूंगी। ये मैंने बना लिया था कि पता नहीं बच्चे खाएंगे कि नहीं, इस तरह की पता चला कि खा लेंगे, इसलिए इसे निकाल लेते। चले अब मैं बूंदी ऐड करती हूँ, सेव, ये आलू के वो जो मैंने बताया ना आपको, कल ही आए हैं फ्रेश बिल्कुल, इमली की चटनी मीठी है और खट्टी है। ये लीमू भी मैंने ऐड किया है छोलों में, बहुत यम्मी बनती है। और ये पुदीने की चटनी, चाट मसाला, दही बड़ा मसाला, इसमें पेपरिका और लाल मिर्च छोटी सी भुनी हुई थोड़ी सी, और ज़ीरा, यही कुछ लिया है। थोड़ी थोड़ी दही और डाल रही हूँ, थोड़े थोड़े मसाले, मेरा हाथ कांप रहा है। बस ये चाट तैयार हो गई आपकी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे याद कीजिएगा कि कैसी लगी आपको ये चाट। तो दुआ में याद रखना, अपना बहुत ख्याल रखना। अब इजाज़त चाहती हूँ, आज के लिए इतना ही काफ़ी। चाट ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।